रुकमणी बैठी बैठी रो रही, तो सबसे उन्होंने पूछा क्या हुआ रुकमणी, तुम क्यों रो रही हो? रुकमणी ने कहा मैं क्या बताऊं बहन, मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है। जवाब दिया वो तो बहुत बड़ा राजा है, तू पागल तो नहीं है, क्यों नहीं शादी कर लेती? रुकमणी कहने लगी सुन, मैं उस दुष्ट के साथ विवाह करके जाऊंगी, अगर मैं शादी करूंगी तो भगवान श्याम सुंदर के साथ मैं सारे जीवन भर कुंवारी रहूंगी, लेकिन किसी के साथ नहीं जाऊंगी। आज रुकमणी जब चार पाई पे बैठ गई, रोती रही और लेट गई, जब लेट गई तो सोई गई, जब महाराज सोई गई तो भगवान कन्हैया रुकमणी को सपने में समझा करके बोले रुकमणी तुम पागल हो, क्यों रो रही हो? अरे हमने तुमसे प्रेम किया तो हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे रुकमणी, और ध्यान रखना जब तुम्हारे भैया के साले की बारात आ जाए तो तुम हमें पत्र भेज करके बुलवा लेना। इतने शब्द कहने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और जैसे ही रुकमणी की आंख खुली उठ करके बैठ गई और बोली हो रे सपना, तूने मेरे साथ में ये बहुत बुरा किया है। और बोली है रुकमणी कि सपना तो मरवाए हो तुम करो करे जाए, और सपने में हम तो जब जागी, सपना बोला और रुकमणी तू हमें मरवाएगी, सपना कहे पुकार के और क्यों मर बहुत दूर मेरे भैया बसे सुनाते बिना जवाब दिया मैंने तेरे पति से मिलवा दिया, और तू कह रहा है और तू कह रही है कि मैंने तेरे पति से बिझू करवा दिया है। रुकमणी बोली और सपना तुम्हें क्या करूं, मेरा कन्हैया अभी तो मेरे साथ में था, न जाने कहां चले गए हैं कृष्ण। आज रुकमणी बैठ करके रोती रही। इधर क्या हुआ कि रोते रोते रुकमणी जब बैठी हुई तो एक सुदेव नाम के पंडित जी का आगमन हुआ, और जैसे ही दरवाजा खटखटाओ रुकमणी एकदम से निकल के आई। कौन है? बोले मैं हूँ ब्राह्मण देवता, तेरी तो आज शादी है तो कुछ दानवान नहीं करेगी। रुकमणी रोए के बोली पंडित जी शादी का बर्बादी है, क्यों मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है। जवाब दिया पंडित जी ने बिटिया ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, अगर हमलाए कोई सेवा हुए तो बताओ। जवाब दिया पंडित जी तुम द्वारिका चले जाओ। क्यों? द्वारिका में कौन है? बोले द्वारिका में मेरे कन्हैया रहते हैं। बोले तुमने कृष्ण को कहाँ देखा? बोले मैंने कृष्ण को सपने में देखा। आज पंडित जी कान लगे हट पगली सपने उठाऊ अपने होते। बोले तो आज रुकमणी भगवान श्याम सुंदर के लिए आज प्रेम पत्र लिख रही है, कन्हैया अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। भगवान शरण रुकमणी पत्नी
आओ मेरे भगवशोता।